कि 2022 सरकार बनावांगे, सरकार बना के इन्हां गुंडागर्दी जिहड़े करन वाले लोग ने जेलां च भेजांगे और इन्हां दा आम लोगों का इंसाफ करांगे। कि आम आदमी पार्टी तो डरते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी सच्चे सुचे लोगों की पार्टी आ। कांग्रेस पार्टी के कैप्टन साहब मुख्यमंत्री नवजोत सिंह सिद्धू दोनों जिहड़े हैगे ने वो अपनी कुर्सी बचाओ मुहिम के लगे हुए हैं। जेकर असीं आजाद होंदे तां असीं धरनियां ते क्यों बैठे होंदे? देखो अज पंजाब कांग्रसी जिहड़े गुंडे नेगे गुंडागर्दी तुरे हुए नेगे और लगातार साढ़े जिहड़े वलंटियर साढ़े जिहड़े साथी साढ़े जिहड़े अहुदेदार वो प्रचार कर रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल जी का गरंटी कार्ड लेके घर जा रहे हैं कि 300 यूनिट जिहड़ी मुफ्त बिजली आम आदमी पार्टी सरकार बनने तो लोगों को देवांगे बाद उसका प्रचार कर रहे हैं। उस समय साढ़े जिहड़ा है वर्करां ते हमले हो रहे हैं, साड़ी पार्टी की लीडरशिप में कुटिया जा रहा, बल्कि कुटन तो बाद जो है झूठे परचे दर्ज किए जा रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चे जिहड़े स्कूलों च पढ़ रहे हैं, इन्हां दे माता पिता जेल च जा रहे हैं। सो इतों पता लगता गा कि कांग्रेस पार्टी का राज का अंत होने जा रहा है, कांग्रेस पार्टी पंजाब खत्म हो चुकी आ। इस गल करके गुंडागर्दी उतरी हुई हैगी। बिल्कुल जरा अच्छा धरना से संकेतक धरना से जेकर चार दिन के साडा अल्टीमेटम आ पुलिस साडा अल्टीमेटम आ कांग्रेस पार्टी की सरकार को जेकर चार दिन के परचा रद्द ना होया जेड़े असल दोषी ने उन्हें परचा दर्ज ना होया तो आम आदमी पार्टी पूरा अमृतसर चौक करेगी। पूरे अमृतसर के समुचे पंजाब के वलंटियर आएंगे, पूरी लीडरशिप आएगी, आके बिल्कुल इन लोगों को घेरेंगे, चाहे वह मिनिस्टर ने चाहे MLA ने चाहे पुलिस कमिश्नर ने, इन सारे का जोड़ा है जीना असं हराम करा। देखो आम आदमी पार्टी तो डरते हैं, चाहे वह कांग्रसी ने चाहे अकाली ने चाहे BJP वाले ने, यह तिने कट्ठे हो जाते हैं कि 2017 भी कट्ठे हुए थे, कट्ठे होकर आम आदमी पार्टी तो डरते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी सच्चे सुचे लोगों की पार्टी आ। आम आदमी पार्टी ईमानदार लोगों की पार्टी आ। आम आदमी पार्टी ईमानदारी सरकार चलाना चाहती आ। SBI पंजाब के उत्ते 3 लाख करोड़ का कर्जा है, कौन दोषी आ? यही लोग दोषी ने जिन्होंने लगातार 70 साल 73 साल राज किया और पंजाब नूं बर्बाद किया। सो आम आदमी पार्टी तो इसे गल करके डरते हैं कि पंजाब नूं दोबारा मुरलियां ते ना ले आउण, इसे गल करके डरते हैं कि पंजाब विच रुजगार पैदा ना हो जाए, इसे करके डरते हैं कि पंजाब विच माफिया राज का खात्मा ना हो जाए। पर लेकिन आम आदमी पार्टी बिल्कुल संघर्ष चो निकली हुई पार्टी है, इस गल का वादा करती है, लोगों का दावा करती है कि 2022 सरकार बनावांगे, सरकार बना के इन्हां गुंडागर्दी जिहड़े करन वाले लोग ने जेलां च भेजांगे और इन्हां दा आम लोगों का इंसाफ करांगे। बिल्कुल जेकर असी आजाद होंगे तो असं धरनियां ते क्यों बैठे होंगे? अज भी मैं समझना पहला अंग्रेजा ने साडे ते राज कीता, हुण काले अंग्रेज आ गए, उस तरीके का राज हुण हो रहा, हुण आम लोगों के उन्होंने हकों हकूकों तो वांझे किया जा रहा है, उन्होंने बनते अधिकारों से जोड़ा है उन्होंने कुचलिया जा रहा है, पूरा जुलम जबर जो है पूरे पंजाब हो रहा है। अमृतसर तुम मोहाली जिते भी चले जाओ दिन दिहाड़े मर्डर हो रहे हैं, गोलियां चल रही नेगियां, पंजाब गुंडा राज आ। और कांग्रेस पार्टी के कैप्टन साहब मुख्यमंत्री नवजोत सिंह सिद्धू दोनों जिहड़े हैगे ने वो अपनी कुर्सी बचाओ मुहिम के लगे हुए हैं। कोई एक पासे नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी को खिंच रहा और दूजे पासे कैप्टन साहब अपनी पार्टी को खिंच रहे हैं। सो दो पासे कांग्रेस के डरते हैं कि पंजाब में रुजगार पैदा ना हो जाए, इसे करके डरते हैं कि पंजाब में माफिया राज का खात्मा ना हो जाए। पर लेकिन आम आदमी पार्टी बिल्कुल संघर्ष चो निकली हुई पार्टी है, इस गल का वादा करती है, लोगों का दावा करती है कि 2022 सरकार बनावांगे, सरकार बना के इन्हां गुंडागर्दी जिहड़े करन वाले लोग ने जेलां च भेजांगे और इन्हां दा आम लोगों का इंसाफ करांगे। बिल्कुल जेकर असी आजाद होंगे तो असं धरनियां ते क्यों बैठे होंगे? अज भी मैं समझना पहला अंग्रेजा ने साडे ते राज कीता, हुण काले अंग्रेज आ गए, उस तरीके का राज हुण हो रहा, हुण आम लोगों के उन्होंने हकों हकूकों तो वांझे किया जा रहा है, उन्होंने बनते अधिकारों से जोड़ा है उन्होंने कुचलिया जा रहा है, पूरा जुलम जबर जोड़ा है पूरे पंजाब हो रहा है। अमृतसर तुम मोहाली जिते भी चले जाओ दिन दिहाड़े मर्डर हो रहे हैं, गोलियां चल रही नेगियां, पंजाब गुंडा राज आ। और कांग्रेस पार्टी के कैप्टन साहब मुख्यमंत्री नवजोत सिंह सिद्धू दोनों जिहड़े हैगे ने वो अपनी कुर्सी बचाओ मुहिम के लगे हुए हैं। कोई एक पासे नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी को खिंच रहा और दूजे पासे कैप्टन साहब अपनी पार्टी को खिंच रहे हैं। सो दो पासे कांग्रेस पार्टी डायरेक्शन लैस हुई पई हैगी। यही कारण है कि अज पंजाब लवारस हैगा कुर्सी बचाओ मुहिम के दोने जिहड़े हैगे ने नवजोत सिंह सिद्धू ते कैप्टन साहब लगे हुए हैं। सिद्धू साहब तो कह रहे हैं मैं पंजाब बचाना चाहना जी, साढ़े 4 साल कित्थे सीगा? साढ़े 4 साल इसे कांग्रेस पार्टी का मैंबर सीगा, साढ़े 4 साल पंजाब विधानसभा का MLA सीगा, 2.5 साल पंजाब की विधानसभा के अंदर पंजाब की कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर रहा गा, उदो क्यों नहीं बोलिया, उदो क्यों चुप रहा? जो आम आदमी पार्टी के विधायक बिल लैके आते कि आ पावर परचेज एग्रीमेंट रद्द करो विधानसभा के
क्यों उदो नहीं जिहड़ा हैगा साडा साथ दिता, क्यों चुप रहे जो आम आदमी पार्टी माफिया की गल करती सी, उदो क्यों चुप रहे जो शराब माफिया के असी बोलते सके उदो शराब माफिया साथ दिता सीगा। तुसी हैरान होवोगे कि जब तक प्रधान नहीं बनया पंजाब के लोगों की गल करता रहा, जो प्रधान बन गया तो इमीडिएटली किहदे कोले पहुँच गया, शराब माफिया चलाउण वाले घरां च, किहदे कोले पहुँच गया रेत माफिया चलाउण वाले घरां दे विच। सो पंजाब के बच्चे बच्चे नूं पता गा कांग्रेस पार्टी जिहड़ी आ ओह लुटेरियां दी जमात आ, करप्शन जिहड़ी सिखरां ते आ पंजाब विच थां थां ते करप्शन हो रही आ, पुलिस स्टेशन जिहड़े नेगे ओह ठेकियां ते चढ़दे नेगे, तहसीलदारां दे पोस्टां विकदियां नेगियां, तहसीलदार लगण दे लई तुसीं ने पोस्टिंग कराउण दे लई 50-60 लख रुपया देना पैंदा गा, तां ही पंजाब विच अंतां दी जिहड़ी आ करप्शन आ। बिल्कुल पहला असी 4 दिनों बाद फिर धरना देवे, जेकर नहीं होंगे तो फिर उस तो बाद सीएम साहब का घराओ करा, गवर्नर साहब का घराओ करा, आम आदमी पार्टी ये लड़ाई में जोड़ा है अंतम दौर तक लैके जाऊगी। बिल्कुल इन्होंने लोगों को इंसाफ दवा के देंगे और बाहर कढ़ावे। है जी जिन्हें भी परचे ने अज साडा पहला धरना से जिन्हें भी परचे हुए हैं आम आदमी पार्टी उन्होंने सारे परचियां की पैरवी करूगी, जेकर रद्द ना हो दोबारा इन्होंने अफसरों को घेरेंगे। हक ते सच दी खबर ले लाइक ते सब्सक्राइब करो पंजाब दा नंबर 1 डिजिटल न्यूज़ चैनल द फैक्ट न्यूज़।